ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, ऐसे टॉपिक में मंथन करने जा रहे हैं, सामान्यतया जो बाद में ग्रेजुएशन में होता था या यूनिवर्सिटी में जाके हो रहा था, तो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग यूनिवर्सिटी में होती थी, आज वो आपके सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में हो रही है। इसके लिए मैं पूरे स्कूल के मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल मैम को, चेयरमैन सर को, डायरेक्टर मैम को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम बच्चों के अंदर अभी से एक फाउंडेशन बन जाएगी कि वो एक लार्जर स्केल पे सोचना शुरू करें। आपके टॉपिक में जो देख रहा था और जिस टॉपिक पे आप चर्चा करने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं, उसको सोचते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं। हम अमेरिका, यूरोप या किसी और देश के रहने वाले नहीं है। तो जब भी जिस भी टॉपिक पे आप चर्चा करें, जिस भी टॉपिक पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तो उसमें भारत और भारत के संविधान को और संविधान के प्रियम्बल को जरूर ध्यान में रखें। बड़ी बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद हमें आजादी मिली, 3 साल लंबी चर्चा के बाद एक संविधान बना, 300 लोगों ने मिलकर संविधान बनाया। लेकिन शायद इसमें सब लोगों को यही आइडिया होगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया, नहीं, 300 लोगों ने मिलकर बनाया और लंबी चर्चा के बाद बनाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद बनाया, सब कमेटीज बनाई गई थी, सब कमेटीज ने एक एक इश्यू, जैसे आज आपकी अलग अलग टीम बनी है, 8 अलग अलग टॉपिक पे आप डिस्कस करने जा रहे हैं, ऐसे उस समय भी अलग अलग टीम बनी थी जो अलग अलग इश्यूज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी। हम लोग जो एक विषय पे बहुत कम चर्चा करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सिल्वर लाइन मैनेजमेंट से कि भारत के संविधान में जो पहला शब्द है प्रियम्बल में, वो है सोवरिन। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू मेक ए सोवरिन कंट्री। ये शपथ हमने लिया था 26 नवंबर 1950 को। सोवरिन को हिंदी में कहते हैं संप्रभु। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड सोवरिन। इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, गुलाम थे, स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमने शपथ क्या लिया, हम एक सोवरिन भारत बनाएंगे, एक संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब गुलामी की एक एक निशानी को मिटा देंगे। हम जो पिछले 700 साल में मानसिक रूप से गुलाम हो गए, भाषाई रूप से गुलाम हो गए, संस्कारों से गुलाम हो गए, त्योहारों से गुलाम हो गए, व्यवहार में गुलाम हो गए, उस सभी हम गुलामी की चीजों को मिटाएंगे। और हमें आपको ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इस विषय को लाल किले से टच किया है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पिछले साल लगभग 5 मिनट तक केवल और केवल संप्रभु भारत, सोवरिन भारत के ऊपर बोला था। अगर आप गूगल करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। भारत की सोच, भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान विज्ञान, भारत के संस्कार, मुझे लगता आज भी अगर वैज्ञानिक तरीके से हम उसको देखें तो सबसे हमारा अच्छा है। लेकिन चूंकि हम 700 साल गुलाम थे, तो उसके कारण हम मेंटली इतने गुलाम हो गए, उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। जैसे इस स्थान को क्या कहते हैं, गाजियाबाद। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, इसका मतलब किसी गाजी ने आके बसाया होगा, नहीं। यह शहर 5,500 साल पहले पांडव ने बसाया था और इसका नाम गजप्रस्थ था। इसका क्या नाम था, जोर से बोलिए, गजप्रस्थ। गाजी तो 400 साल पहले आया था, उसने क्या किया, नेम प्लेट हटा दिया, अपनी नेम प्लेट लगा दिया। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आपके पिताजी मान लो कभी कमजोर रहे हो,
सशक्त नहीं रहे हो। कोई एक बदमाश आए, एक गुंडा आए, आपके पेरेंट्स को मारे पीटे टॉर्चर करे और सब कुछ करने के बाद जाते समय आपके पिताजी की नेम प्लेट को हटा के अपनी नेम प्लेट लगा के चला जाए, जहां अग्रवाल भवन लिखा था उस पर अग्रवाल भवन की बजाय गाजी भवन लिख के चला जाए, या जहां जैन निवास लिखा था जैन निवास को गाजी निवास करके चला जाए। आप बड़े हो गए, अब आप सक्षम हैं, अब आप गुलाम नहीं हैं। जिस गुंडे ने नेम प्लेट बदली थी वो गुंडा भी चला गया, आप क्या करोगे? जोर से बोलिए जरा, नेम प्लेट हटाओगे या कंटिन्यू करोगे? जोर से बोलिए। और अगर आप नहीं हटा रहे हैं तो वास्तव में आप अच्छे नागरिक तो छोड़िए, अच्छे पुत्र और पुत्री भी नहीं है। अच्छे नागरिक तो बात की बातें, अगर हम अपने पूर्वजों के पहचान को दोबारा रिस्टोर न कर सके तो हम दुनिया में मंगल पे चले जाएं, शनि पे चले जाएं, चंद्रमा पे चले जाएं, वो सब बेकार है। अगर हम अपने पूर्वजों की पहचान को ही दोबारा रिस्टोर न कर पाए तो सारा डेवलपमेंट, सारा विकास सब बेकार है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सोरिन पे समझिए। व्हाट इज द सोरिन? सोरिन का मतलब क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विदेशों से कोई चीज लेना लेना चाहिए, जो अच्छी चीज लेना चाहिए। हमारा तो हमेशा संस्कार रहा है कि हम हमेशा सबसे सीखते रहे, हमेशा सबसे डायलॉग करते रहे। और अगर कोई सोचता है कि नहीं नहीं वेस्टर्न कल्चर बड़ा अच्छा, वेस्टर्न कल्चर में बड़ी अच्छी पढ़ाई, वहां बड़े टैलेंटेड, तो आपको बता दूं, जब दुनिया में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का राइट नहीं था, तो हमारे भारत में गार्गी और मैत्रेयी उस समय के बड़े बड़े धर्मगुरुओं से सीधे शास्त्रार्थ करती थी। दिल्ली में गार्गी कॉलेज है, जानते होंगे आप, मैत्रेयी कॉलेज भी है। वो गार्गी मैत्रेयी सीधे सीधे उस समय के हमारे जितने धर्मगुरु होते थे उनके साथ शास्त्रार्थ करती थी। ये हमारे देश में सिस्टम था। अगर आपको लगता है कि नहीं ये पढ़ना, महिलाओं को पढ़ना, ये सब अभी वेस्ट में शुरू हुआ, तो आपको बता दूं हजारों साल पहले राजा भरत के माता जी का क्या नाम था? जोर से बोलिए। राजा भरत के माता का नाम कैकेयी। हमारे देश की परंपरा यह थी कि राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं होता था, लेकिन राजकुमारियों का नाम राज्य पे होता था। जैसे कौशल राज्य की राजकुमारी का नाम कौशल्या, सौमित्र के राजकुमार राज्य की राजकुमारी का नाम सुमित्रा, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, ऐसे कैकेयी की राजकुमारी कैकेयी। रावण और कैकेयी नरेश में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में कैकेयी नरेश के सेनापति को रावण ने मार दिया। कैकेयी नरेश ने मदद मांगी, सोच, अब जरा उसमें मैं बाद में आऊंगा कि लंका से रावण चल के कैकेयी पहुंचा कैसे, और कैकेयी का मतलब पाकिस्तान, कैकेयी का मतलब पेशावर। राजा दशरथ मदद करने के लिए गए अयोध्या से कैकेयी, कैकेयी का मतलब पेशावर। रावण ने राजा दशरथ को भी घायल कर दिया। उस समय सेना की बागडोर संभाली थी रानी कैकेयी ने। अगर रानी कैकेयी को अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता था तो उन्होंने सेनापति के मारे जाने पे पूरी सेना को लीड कैसे कर लिया? हमें इतिहास का ज्ञान नहीं है, हमें अपने महान वैज्ञानिकों का ज्ञान नहीं है। हमारी दुनिया आइंस्टीन से शुरू होकर यहीं घूम रही है। हमें लगता है जहाज भी कहीं और ही बना, परमाणु का आविष्कार भी किसी और ने किया। ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक सिलेबस नहीं बदल रहा आप लोग भी पढ़ते रहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर में तो वही आएगा जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन 75 वर्ष स्वतंत्रता में कभी सोवरेंटी के ऊपर काम नहीं हुआ। हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था के मूल को नहीं समझा, हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा, अपने प्राचीन व्यवहारों को नहीं समझा। हमारा एक एक त्योहार
विज्ञान पे टेस्ट किया हुआ है। हमारा एक एक हमारी एक एक परंपरा आज भी वो हमें नहीं पता, अलग बात है, और नहीं पता इसका मतलब नहीं है, अलग बात है। उदाहरण के लिए ये पंखा आपको चलता हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, इलेक्ट्रिक करंट दिख रही है क्या? दिख रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट तो होती है ना। हमें क्या वो पंखा दिख रहा है? और 75 साल में हमने इलेक्ट्रिक करंट को देखने की कोशिश ही नहीं किया। हम 75 साल से पंखा कूलर एसी तो देखते रहे, ये नहीं देखा ये पंखा कूलर एसी चलता कैसे, पढ़ भी लिया लेकिन देखा नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट होती है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, जब आप लोग अगले 2 दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग करने जा रहे हैं, सोवरेनिटी के बारे में सोचे, अपनी परंपराओं के बारे में सोचे, अपने ज्ञान विज्ञान के बारे में सोचे। मोबाइल लगभग सबके पास होगा, कभी कभी हमारे जो भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय दर्शन के बारे में सोचे। और इस पे मैंने एक PIL फाइल किया। सामान्यतया जो चीज मेरे दिमाग में आती है मैं पब्लिकली कम बोल, पहले बाद में बोलता हूं, पहले उसको मैं फाइल करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू आइडेंटिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू डिग्निटी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू कल्चर हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू ट्रेडिशन हमारा फंडामेंटल राइट है।